दोस्तों जॉस बटलर के तूफान में उड़ी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम एक गलती से हारा मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल धाकड़ क्रिकेट में। आईपीएल 2022 का एक और बेहद ही शानदार मुकाबला क्वालिफाई टू राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच खेला गया, जहां पर आरसीबी को इस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा क्योंकि राजस्थान रॉयल्स की तरफ से बल्लेबाजों का तूफान देखने को मिला, जहाँ पर जॉस बटलर ने शानदार शतक जमाया। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको पूरा हाईलाइट बताएंगे कि किस तरीके से जॉस बटलर ने शानदार तूफानी तक जमाते हुए टीम को जीत दिलाई है। तो दोस्तों पूरा हाईलाइट जानने के लिए बने रहे इस वीडियो के पूरे आखिर तक, और साथ ही आप भी राजस्थान रॉयल्स के फाइनल में पहुंचने से खुश है तो कर दीजिए इस वीडियो को दिल से एक लाइक, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो दोस्तों आज के इस महा मुकाबले का पूरा हाईलाइट हम जानते हैं विस्तार से, शुरुआत से ही कि आखिरकार किस तरीके से रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की बल्लेबाजी रही और फिर राजस्थान ने शानदार जीत दर्ज की है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत से ही हम बात करें तो आज के मुकाबले में सिक्का उछला और गिरा संजू सैमसन के पक्ष में। संजू सैमसन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम को। आरसीबी की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे विराट कोहली और फेफ डू प्लेसिस। हालांकि लगा कि पहले ओवर में विराट कोहली ने जब छक्का लगाया तो ऐसा लगा कि यहां पर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम की शुरुआत काफ़ी अच्छी होगी, लेकिन इसके बाद कुछ खास नहीं रहा और दूसरे ही ओवर में पहली सफलता मिली राजस्थान रॉयल्स को, जहाँ पर पहला झटका विराट कोहली के रूप में लगा रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को। प्रसिद्ध कृष्णा ने विराट कोहली को संजू सैमसन के हाथों कैच कराकर पहली सफलता दिलाई राजस्थान रॉयल्स को, और पहला झटका यहां पर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम को लगा 9 रनों के स्कोर पर। विराट कोहली आज के मुकाबले में एक बार फिर कुछ खास नहीं कर पाए और 8 गेंदों पर सिर्फ 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनके बल्ले से सिर्फ एक छक्का देखने को मिला, लेकिन दोस्तों इसके बाद बल्लेबाजी करने आए रजत पाटीदार ने काफ़ी शानदार फॉर्म दिखाई और कप्तान फेफ डू प्लेसिस के साथ मिलकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया। दोनों बल्लेबाजों ने पावर प्ले में संभल कर बल्लेबाजी की और टीम के स्कोर को 46 रनों तक पहुँचाया। इस दौरान दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपनी लय दिखाई। रजत पाटीदार ने जहां पिछले मुकाबले में शानदार शतक जमाए तो इस मुकाबले में भी उनके बल्ले से उसी प्रकार से रन निकलते हुए दिख रहे थे। हालांकि यहां पर रजत पाटीदार का बड़ा कैच छोड़ा था रियान पराग ने और एक जीवनदान दिया जो कि अंत में जाकर काफ़ी महंगा भी पड़ा राजस्थान रॉयल्स को, क्योंकि यहां पर बड़ी सफलता थी रजत पाटीदार की, लेकिन ऐसा हो ना सका और यहां पर साझेदारी काफ़ी तेजी से आगे बढ़ गई। 10 ओवर समाप्ति तक यहां पर राजस्थान रॉयल्स दूसरे विकेट के लिए तरसती रही, लेकिन दोस्तों इसके बाद राजस्थान रॉयल्स को दूसरी सफलता मिली फेफ डू प्लेसिस के रूप में। फेफ डू प्लेसिस 27 गेंदों पर 25 रन बनाकर ओबी मकोई का शिकार बने और राजस्थान रॉयल्स को दूसरी सफलता 79 रनों के स्कोर पर मिली। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए ग्लेन मैक्सवेल ने काफी आक्रामक बल्लेबाजी करनी शुरू की और 13 गेंदों पर 24 रन बना लिए, लेकिन इसके बाद वो भी ट्रेंट बोल्ट के सामने ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए। ऐसा लग रहा था कि अब एक बार फिर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर बड़े स्कोर की तरफ पहुंचेगी, तभी 14वें ओवर की आखिरी गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल एक शानदार शॉट लगाने के चक्कर में कैच थमा बैठे ओबी मकोई को और राजस्थान रॉयल्स की टीम को सबसे बड़ी सफलता मिल गई और आरसीबी ने अपना तीसरा विकेट 14वें ओवर की आखिरी गेंद पर 111 रनों पर गंवा दिया और ट्रेंट बोल्ट को आज की पहली सफलता मिली उनके स्पेल की आखिरी गेंद पर। वहीं पर इसके बाद दोस्तों बल्लेबाजी करने के लिए उतरे महिपाल लोमरोर, लेकिन दूसरे छोर से रजत पाटीदार ने काफ़ी आक्रामक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और अपना अर्धशतक भी पूरा किया, लेकिन यहां पर टीम के स्कोर को जब और तेजी से बनाने की कोशिश में रजत पाटीदार 16वें ओवर की तीसरी गेंद पर विकेट थमा बैठे। रजत पाटीदार को अश्विन ने आउट किया और उन्होंने 42 गेंदों पर 58 रनों की पारी खेली जिसमें 4 चौके और 3 छक्के शामिल थे और रविचंद्रन अश्विन ने एक बड़ी सफलता दिला दी, लेकिन इसके बाद महिपाल लोमरोर और दिनेश कार्तिक के ऊपर काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों महिपाल लोमरोर और दिनेश कार्तिक आज कुछ खास नहीं कर पाए, जहाँ लोमरोर 10 गेंदों पर सिर्फ 8 रन बनाकर ओबी मकोई का शिकार बने तो वहीं पर अंत में बेहतर फिनिश की उम्मीद थी दिनेश कार्तिक से, लेकिन आज के मुकाबले में दिनेश कार्तिक ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए, वो 7 गेंदों पर सिर्फ 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। दिनेश कार्तिक को प्रसिद्ध कृष्णा ने पवेलियन की राह दिखाई तो वहीं पर इसकी अगली गेंद पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे वनिंदु हसरंगा को पहली गेंद पर क्लीन बोल्ड करके प्रसिद्ध कृष्णा ने लगातार 2 गेंदों पर 2 सफलताएं प्राप्त की, जिसने यहाँ पर पूरी तरह से रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम को बैकफुट पर धकेल दिया, जहाँ एक समय तक 141 रनों पर सिर्फ 4 विकेट गंवा दिए थे, लेकिन इसके बाद एक ही ओवर में मिली सफलताओं के बाद टीम का स्कोर 19.1 ओवर तक
तक 154 रनों पर 8 विकेट गंवा दिए थे और अंत में बेहतर फिनिश नहीं हो सका रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम का और आखिरी 5 ओवर में सिर्फ 35 ही रन बना पाई। वहीं पर गेंदबाजी की हम बात करें तो राजस्थान रॉयल्स की तरफ से प्रसिद्ध कृष्णा ने 4 ओवर में 22 रन देकर 3 सफलताएं प्राप्त की, तो वहीं पर ओबी मकोय ने 4 ओवर में 23 रन देकर 3 विकेट लिए। इसके अलावा ट्रेंट बोल्ट और रविचंद्रन अश्विन को भी एक एक सफलता मिली, जिसके चलते यहाँ पर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम को 20 ओवर में 157 रनों पर रोक लिया और यहाँ पर फाइनल में पहुँचने के लिए राजस्थान रॉयल्स के सामने 158 रनों का लक्ष्य था। वहीं पर इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल्स की टीम की शुरुआत काफी तूफानी अंदाज की रही। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे जॉस बटलर और यशस्वी जायसवाल, दोनों बल्लेबाजों ने पहले ओवर से ही काफी आक्रामक बल्लेबाजी की। जहां तक बात की जाए पहले ओवर में यशस्वी जायसवाल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए मोहम्मद सिराज के एक ही ओवर में 16 रन कूटे, तो वहीं पर इसके बाद जॉस बटलर ने भी अपना दमखम दिखाया। हालांकि यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर ने काफ़ी आक्रामक बल्लेबाजी करनी शुरू की, लेकिन छठे ओवर की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल आउट हो गए। उन्हें कोहली ने कैच किया और हेजलवुड ने आउट किया। उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 13 गेंदों पर 21 रनों की पारी खेली, लेकिन इसके बाद जॉस बटलर और संजू सैमसन के बीच एक बार फिर शानदार पार्टनरशिप हुई। दोनों बल्लेबाजों ने बेहतरीन बल्लेबाजी की और कई बड़े शॉट भी दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से देखने को मिले, लेकिन आज जॉस बटलर कुछ अलग ही फॉर्म में लगे। जॉस बटलर शुरुआत से ही काफ़ी आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे और मात्र गेंदों पर आज अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। वहीं पर दोस्तों हम बात करें जॉस बटलर का एक आसान सा कैच दिनेश कार्तिक ने जरूर छोड़ा था, जो कि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम की हार का सबसे बड़ा कारण बना। लेकिन दोस्तों जॉस बटलर के साथ संजू सैमसन ने भी अच्छी बल्लेबाजी की। सैमसन 21 गेंदों पर 23 रन बनाकर आउट हुए, तो वहीं पर 12 गेंदों पर 9 रन बनाए देवदत्त पंडिकल ने, वो भी कुछ खास नहीं कर पाए। लेकिन जॉस बटलर ने एक छोर से तूफानी बल्लेबाजी जारी रखी और आईपीएल 2022 में उनका लगातार शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा और इसी के साथ उन्होंने इस साल के 800 रन भी पूरे कर लिए और साथ ही इस मुकाबले में उन्होंने 60 गेंदों पर शानदार 106 रनों की नाबाद पारी खेली। उनका आईपीएल 2022 का ये चौथा शतक था। एक सीजन में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज विराट कोहली की भी उन्होंने प्राप्ति कर दी और राजस्थान रॉयल्स को 18.1 ओवर में ही शानदार जीत दिला दी। तो राजस्थान के फाइनल में पहुंचने पर आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।